मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, उसकी चौथी किस्त के रूप में आज कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई अड्डा, एयरक्राफ्ट की मरम्मति, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, विद्युत शुल्क नीति, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के अंदर व्यापक सुधार का ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ा ऐलान तो कोयला क्षेत्र में है कि अब कोयला के अंदर कोई भी व्यक्ति, निजी व्यक्ति और बोली लगा सकता है। पहले केवल जो स्टील कंपनियां थी, जो बिजली उत्पादक कंपनियां थी, वही केवल कोयले के में बोली लगा सकती थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र के लोगों को भी बोली लगाने और कोयला बेचने का अधिकार जो है दिया गया है। यहां तक कि कोई ऐसी कोल ब्लॉक है जो आंशिक रूप से ही जिसका उपयोग हुआ, एक्सप्लोर किया गया है, उसके अंदर भी निजी क्षेत्रों को भाग लेने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ जो कोयले का अन्वेषण है, यानी कोयला किस जगह है, इसका जो एक्सप्लोरेशन होता, अन्वेषण होता है, उसमें पहले निजी क्षेत्र की अनुमति नहीं थी, तब उसमें भी निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देश को प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति अगर कोल गैसिफिकेशन का भी अगर काम करना चाहेगा तो उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। एक दूसरा बड़ा ऐलान विद्युत शुल्क नीति के अंदर किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक की टैरिफ पॉलिसी है, उसके अंदर यह प्रावधान यह कहा गया है कि जो उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उसको और मजबूत किया गया है, और जो विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और डिस्कॉम्स हैं उनकी अयोग्यता या अक्षमता का बोझ अब जनता नहीं उठाएगी। अगर वो लोड शेडिंग करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दंडित किया जा सकता है। ये जो और साथ ही साथ जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उपभोक्ताओं के खाते में दिया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर लगाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो इस तरह से जो टैरिफ पॉलिसी है उसमें भी व्यापक सुधार किया गया है। एक तीसरा बड़ा जो ऐलान किया गया है वो रक्षा उत्पादन के अंदर है। अभी तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसमें केवल 49% की अनुमति थी, अब इसको बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है। साथ ही साथ स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसे हथियारों की सूची प्रतिवर्ष अधिसूचित की जाएगी जिनका आयात बंद किया जाएगा, और जो हथियारों के जो पार्ट्स हैं उनके निर्माण का काम देश के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा जो एयर स्पेस है, जो हवाई जहाज हैं, वो केवल 60% एयर स्पेस का ही अभी तक इस्तेमाल कर पाते थे, और उसका परिणाम ये होता था कि उनको काफ़ी लंबी दूरी तय करना पड़ता था, ज़्यादा ईंधन भी खर्च होता था। तो अब उनका जो एयर स्पेस है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि वो आसानी से और हवाई जहाज जो है वो चल सकें। साथ ही साथ देश के अंदर 12 हवाई अड्डों को वर्ल्ड क्लास का PPP मोड में हवाई अड्डा बनाने का राज्य से केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। उसी प्रकार जो एयरक्राफ्ट हैं उनके मेंटेनेंस, उनके रिपेयर, उनके ओवरहॉल के एक ग्लोबल हब के रूप में और भारत को विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ जो सैटेलाइट है, जो स्पेस अंतरिक्ष जो है, उसके अंदर निजी क्षेत्र के लोग भी और सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे, और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। अब जो खाद्य पदार्थ हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके संरक्षण के लिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी का PPP मोड में और इस्तेमाल किया जाएगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर आज ये जो चौथे चरण का जो ऐलान किया गया है, ये देश की जो आधारभूत संरचना है और देश की जो अर्थव्यवस्था, उसको मजबूत करने में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा।